देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं ना पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4-5-6-10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ 5-6 गुंडे भेज दिए।